आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार का ट्रेडिशनल डिश भरवा परवल, और इसे स्टफ्ड परवल भी कहा जाता है। और इसे बनाने में हमें किन सामानों की जरूरत होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। ये मेरा 300 ग्राम परवल है, दो तीन प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर है, एक बड़ी चम्मच आपको लाल मिर्च पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर है और अदरक लहसुन का ये एक बड़ी चम्मच पेस्ट है और एक कप ये मस्टर्ड ऑयल है। सबसे पहले हम परवल को इसको आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा काट लेंगे और नाइफ को उल्टा करके इसको हल्का थोड़ा स्क्रैच कर लें ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद इसको हल्का चाकू से इसको काटें ऐसे करके, और ये जो इसमें सीड्स जो हैं इसको निकाल लेना है और एक प्लेट में इसको हम रखेंगे। फिर इसको निकाल इधर का भी से इसके सारे सीड्स को हम निकाल लेंगे और निकाल के सबको परवल को हमको इसी तरह तैयार करना है और इसको हम मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हम जो सीड्स निकाले थे उसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं और इस परवल को भी हम अच्छे से दो तीन पानी से इसको धो के हम काट लिए। देखिए इस तरह से आपको काटना है और इसका अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ये देखिए हम कढ़ाई को गैस पर रख दिए हैं और इसमें तेल डाल के हम गरम कर लिए, तो तेल भी मेरी गरम हो चुकी है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको फ्राई करें। ये देखिए मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसको प्याज को फ्राई करने में 3 से 4 बड़ी चम्मच इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाले थे। अब इसमें हम 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको मिला लेंगे, इसका 1 मिनट के लिए कच्चा पर दूर हो जाए। 1 मिनट हो चुका है, अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो चुका है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, इस सबको डाल के 3 से 4 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक आप भून चुका है मसाला। अब इसमें जो मिक्सी में हम परवल के सीड्स को जो ग्राइंड किए थे अब इसमें हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें लिड लगा के 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक हो गया है और मेरा मसाला भी भून चुका है, ये देखिए। और इसको स्पैचुला से आप ऐसे गोल गोल घुमाएं तो समझ जाए कि मेरा मसाला भून चुका है। और इसमें नमक इसलिए हम नहीं डाले थे क्योंकि नमक डालने से पानी रिलीज होता है, इसलिए हम इसमें परवल जब हम फिलिंग भरेंगे तब इसमें हम नमक डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। ये देखिए इसको हम 1 प्लेट में निकाल लिए हैं और ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे, स्वाद अनुसार इसमें आप नमक मिलाएं। ये देखिए नमक मिल चुका है, अब इसका फिलिंग भी मेरा तैयार हो चुका है। अब परवल को हम इसमें भरेंगे और एक स्पून लें और इसको उठाएं और इसको डालें इसको ऐसे, फिर इधर भी इसको लें स्पून और इसको भरें अच्छे से, इसमें सारे को हम भर लेंगे।
और आपको इसी तरह से सारे को तैयार करना है। और ये फ्राई करने में तेल में जब ये डालने से मसाला निकल जाता है, तो उस कारण से हम इसको ट्रिट से इसको हम बांध देते हैं, जिससे कि ये इस तेल में जाने पे इसका मसाला नहीं निकले। ये देखिए सारे को भर के हम तैयार कर लिए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हम पैन रख दिए हैं और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल 4 से 5 बड़ी चम्मच इसमें हम तेल डालें, और तेल भी मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम परवल को फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। इसका लीड आपको ध्यान से हटाना है कि जिससे कि इसका पानी आपको इसमें ना गिरे। और इसको टर्न कर दें, इस तरफ भी आपको गोल्डन ब्राउन होने देना है। ये देखिए मेरा कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको भी टर्न कर दें। फिर से लीड लगा के उस तरफ भी हमको इसको फ्राई होने देना है। ये देखिए परवल फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, और इसको आपको दिखा भी देते हैं कि पक चुकी है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से ये पक चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सारे परवल को हम इसी तरह फ्राई करेंगे, तब हम इसका प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए सारे परवल को फ्राई करके हम ले आए हैं और एक प्लेट में इसको हम सर्व कर रहे हैं। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये परवल फ्राई कैसी बनी है।